Hello, today we are going to see a practice of Simha Asan. Simha Asan basically a lion pose. It's a ahar practice. इसे करने से पहले मैं चाहूँगी कि हम कुछ प्री वार्म अप्स कर ले, उसके बाद सिंहासन पे बैठते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले तो हमें करना होगा ब्रीद इन ब्लो। ब्रीद ब्लो करेंगे हम, जिसके लिए आपको इस तरीके से सुखासन में दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए बैठ जाना है। अपने हाथों को इस तरीके से थंब एंड इंडेक्स फिंगर को ज्वाइन करते हुए अपने घुटनों पे रख लेना है। देन व्हाट यू हैव टू डू इज इनहेल फ्रॉम योर नॉस्टल एंड ब्लो फ्रॉम योर माउथ। नेक्स्ट इज वॉट, नेक्स्ट क्या करना है हमें यहाँ पे, अपने नेक को हल्का सा ऊपर लेकर जाना है, माउथ ओपन एंड क्लोज करना है। नेक अपवर्ड स्लोली, ओपन एंड क्लोज माउथ। नेक्स्ट सेंटर अगेन, देन rotate your shoulders clockwise. Anti-clockwise. Rotate your fist, I mean wrist. Clock, anti-clock, पैरों को थोड़ा हम ट्विस्ट कर लेंगे, अपने हाथों को पीछे की ओर जमीन पर रखना है, पैरों को इस तरीके से स्टैंड में, देन हमें उसे ट्विस्ट करना है लेफ्ट साइड, लुक टू द राइट, अगेन सेंटर, ट्विस्ट टू द राइट, लुक टू द लेफ्ट, center again, twist to the left, look to the right, center again, twist to the right, look to the left, and center again, come back to Sukhasana. Now what you have to do is next, rotate your neck clockwise, anti-clock, and normal. Now we are totally ready for Simhasan. Simhasan करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको पहले आना होगा वज्रासन में। वज्रासन यानी कि दोनों पैरों को पीछे की ओर फोल्ड करते हुए आपको अपने एड़ियों पर बैठना होगा। Like this you have to sit on your heels. Your toes will be flattened. Then you have to create a gap between your legs and between your thighs. आपको अपने thighs के बीच में gap बनाने के बाद अपने हाथों को इस तरीके से join करते हुए fingers inward, you have to sit like this. Neck हल्का सा ऊपर, आपकी back सीधी होगी, आपकी back यहाँ पर कहीं ना कहीं bend होगी, पीछे की ओर मुड़ी हुई. Then आपको यहाँ पे क्या करना है, you have to inhale from your nostril. नॉस्टल से इनहेल करने के बाद आपको अपना टंग बाहर की ओर निकालना है। टंग जैसे ही बाहर की ओर निकालोगे आपको एक दहाड़ने वाली आवाज़ निकालने वाली है, जैसे लायन रोर करता है वैसे आपको आवाज़ निकालनी है। जैसे ही आवाज़ बाहर निकालोगे योर आइज विल बी ब्रॉड और देखना आपको हल्का सा ऊपर की ओर है। सो वी आर गोइंग टू डू दैट। One more. And normal. Come back to Sukhasana again. After this you will find out कि आपको एक आपके throat में
एक क्लियरिटी महसूस हो रही है, आपका गला जो है ना कि यहाँ पे साफ हो जाता है, द फूड पाइप जिससे आप कहीं ना कहीं खाना खाते हो जो ट्रांसफर होता है आपके बेली के अंदर वो कहीं ना कहीं साफ हो जाता है यहाँ से। तो मैंने बार जब हम बात करते हैं एब्डोमिनल इश्यूज को लेते हुए, कई बार हमें बहुत सारे जलन सी महसूस होती है, गला साफ नहीं होता है, फूड पाइप कहीं ना कहीं क्लीन नहीं होता है, तब आप सिंहासन का इस्तेमाल कर सकते हो, विच इज हेल्प टू क्लियर आउट योर थ्रॉट एरिया, विच इज हेल्प टू क्लियर आउट योर फूड पाइप, विच इज हेल्पफुल इन केस ऑफ आहार प्रैक्टिस। ये हमने देखा है सिंहासन, इट्स अ लायन पोज। थैंक यू।